आ रही है ना आपको भी राउंड टू हेल की यार, है ना। अभी हमने सारे वीडियोस पे तो रिएक्ट कर दिया है ऑलरेडी, और नए वीडियो पता नहीं कब आएगा, 2-3 महीने बाद आता है कभी कभी, 6 महीने बाद। तो मुझे तो बहुत याद आ रही, तो मैंने ढूंढ निकाला है राउंड टू हेल की वो जो रील्स वाले वीडियो है उसका किसी ने कंबाइन करके वीडियोस बनाए हैं, तो आज मैं उस पर रिएक्ट करने वाली हूँ। और रील्स वाले वीडियो पे हमेशा लिमिटेड एड्स लगते हैं, रील्स ही नहीं राउंड टू हेल के वीडियो पे लिमिटेड एड्स लगते हैं, तो आई होप इस पे ना लगे। तो जितना हो सके आप मुझे रीच बढ़ाने के, मेरी वीडियो की रीच बढ़ाने की कोशिश करो लाइक कमेंट शेयर करके। सो बिफोर आई स्टार्ट, इसका नाम है लौंडियाबाजी, सेटिंग बाजी सॉरी, ओके इस वीडियो का नाम है। तो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मुरली नायक, वेलकम टू माई चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल, सो लेट्स गो। अबे तुमसे लोनिया वोनिया कुछ साइड वाइड ना होने के, हमारे साथ बैठना बंद कर दो तुम। और बाबा दो दिन, बस 2 दिन का टाइम दे, एक एक सेटिंग होगी दोनों में। 2 दिन में ऐसा क्या सेटिंग? कुर्ते का नाप देना, कुर्ता बहुत पसंद है लोनिया को। अरे बापरे, सच में सेटिंग होगी यार सेटिंग? अब हाँ, लेकिन नाजिम की कहाँ है? नाजिम की भी आ गई, अभी आ गई, कोई बहाना। बाबू का खड़ा हो रहा है, खड़ा हो रहा, खड़ा हो रहा मतलब इसका भैया खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, इसको जिताना मुझे। बाबू चलो, बाबू का दर्द। हाँ भाई, कोई कह रहा था कि नाजिम की सेटिंग नहीं बनी यार। मोनो देखिए, नाजिम की सेटिंग में वो बात नहीं लग रही जो जैन की सेटिंग में थी, इसके चाल चाल में सही नहीं है बैठने के, देख मर्दाने लग। देने भी लगू कद्दू के लिए, बता अभी क्या कमी कर रही हूँ मैं, बता अभी तू बता क्या कमी कर रही हूँ। ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों से घंटों घंटों फोन पे बात नहीं करते। हाँ बाबू, अभी डाउन हो जाएगा तो फोन कट कर देगा। अरे तो क्या हुआ बाबू, मैंने टेडी नहीं दिया, वैलेंटाइन पे बैलेंस नहीं दिया, इतना लंबा पावर बैंक भी तो डाउन होता है ना। ना बाबू, कॉल कैसे कर, बैटरी भी तो डाउन होता है। मैंने कब ट्रांसफार्मर मंगाया अपने घर पे यार? हाँ भाई साहब, ये ट्रांसफार्मर मेरे वाले कमरे में लगा दी, उसमें भी तो फूकते। ऐसा बॉयफ्रेंड तो मैं भी डिजर्व करती हूँ, ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, बात होनी चाहिए। सड़ी के अब तो कट कर दे, लोग जा शादी की बात चल रही है, मर गया लोंडिया बाज, ते मन तो अकेला रह गया। अच्छा उधर भी फोन दे, अरे चार मरा रहा। तो लौंडियाबाजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तोड़ दिया। मुझे हार्ट अटैक। अरे बाबू अंदर क्या पहना है? इसके पास किन्ने मेरी कबर खुदवाई है, मैं मरी ना रही हूँ। जैन भाई, गर्लफ्रेंड के ऊपर गाना हो जाए एक। गर्लफ्रेंड जी, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। अपनी माँ मुझे कॉल मत करे कर ऐसे टाइम पे। बापरे, बाबू से ऐसा बात कौन करता है? ये जीने नहीं देती है गर्लफ्रेंड जी। हम नवा मेरे, गलत फ्लो में पहुंच गए आप। गलत फ्लो, बाबू ये नहीं देगी मुझे। बाबू फोन करना मत रुको। करे कौन दूसरा? दबंग। दबंग 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 दबंग। अरे का दिमाग एक ही चीज
गाना बता दो इसको गाने के लिए, एक ही फ्लो में एक ही दिशा में चली जाती है जैन की थिंकिंग, फिर क्या बोलने का जैन के बारे में। अरे खतरनाक चीजें करते हो यार जैन, कोई भी गाना उठा लो उसको एकदम तोड़ मरोड़ के पूरा भुर्जी पाव करके हमारे सामने रख देते हो। ओके बाकी बात करो तो लौंडिया बाजी नहीं, नहीं दूसरा वाला क्या था, गर्लफ्रेंड से बात वाला। यार ऐसा बॉयफ्रेंड तो हम सब लड़कियां डिजर्व करते, चाहे कुछ दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ चाहे मौत हो जाए, फिर भी मैं बात करूंगा, मैं अपनी बाबू से बात करूंगा, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मुझे वो लड़की चाहिए। ऐसी गर्लफ्रेंड तो हम लोग भी डिजर्व, सॉरी बॉयफ्रेंड तो हम लोग भी डिजर्व करते हैं, पर हमको दूसरा टाइप का मिल जाता है जैन वाला। फिर अभी फोन मत करो बाबू, रख दो फोन, अभी फोन मत करो बाबू, रख दो फोन। वैसे मैं सिंगल हूं, मैं बस बता ये आपको, नहीं तो आप लोग इसी पे गेस करने लग जाते हो मतलब आपका कुछ है ये। नहीं भाई कुछ नहीं है, बस सिंगल हूं और मम्मी के फोन आते हैं, मम्मी के। हाँ दो मिनट देते खाली। हाँ तो फिर ये मम्मी को बोलना पड़ता है, दो मिनट रुक जा वीडियो चालू, इसमें फोन मत कर करके नहीं क्या, ऐसा होता है रॉ अनएडिटेड। देखो मम्मी का फोन आया, वो आपके सामने बोला मैंने, ऐसे मेरे को पसंद आता है। फिर पहली वाली बात करो तो सेटिंग नहीं पट रही है, तो समटाइम्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि मुझसे कोई लड़की नहीं पटती है बाबा, मेरे को नहीं है पटाने का तरीका आता है। इसलिए लड़कियों को बैड बॉयज पसंद है क्योंकि उनको पटाने का तरीका आता है, डायलॉग बाजी करते हैं फुल एकदम, शुरुआती दिनों में रोमांस फूल गिफ्ट चॉकलेट एंड एवरीथिंग है ना। और फिर होते बेचारे नाजिम जैसे जैन जैसे जो नहीं पटा पाते यार, क्योंकि ज्यादा ही ऑनेस्ट हो जाते हैं मुंह पे ही, फोन मत कर तो फिर एक दूसरे को ही लड़की बना के लेके जाते। देख नाजिम कितनी अच्छी नजाकत वाली लड़की बनी थी, जैन आते ही क्या फुल फाइटिंग। WWE पे मैंने रिएक्ट नहीं किया बहुत दिन हो गए, ये इसमें हो चुका है देखो रिएक्शन, ये करते करते WWE का भी रिएक्शन इसमें हो गया नहीं क्या। तो ऐसा तो होगा नहीं कि इन दोनों की गर्लफ्रेंड कभी भी नहीं थी है ना, अभी वो बोलते कि वो सिंगल है, बट अभी मैंने भुवन बाम का भी देखा था कि उनकी 14 साल से एक रिलेशनशिप है। माय गॉड यू तो ब्यूटीफुल है, मतलब लाइक मैं ऐसे रिलेशनशिप्स को बहुत एडोर करती हूँ, पता है आपको कि यार लड़की मतलब इनको बस एक ही पता है 14 साल से एक ही के साथ है रिलेशनशिप, एंड बाकी वो खुद भी बोला मुझे तो लड़की मतलब पता है, नहीं तो बाकी के लोग चीट भी करते हैं 14-15 साल में एक परमानेंट रखना है, बाकी का फुल हेरा फेरी करना है, ऑल दोस थिंग्स नहीं क्या, तो दैट इज नॉट गुड। बट जैन और नाजिम की पहले तो होगी गर्लफ्रेंड राइट, आई होप आई थिंक सो। तो ये ना मेरा रिएक्शन ऑन राउंड टू हेल न्यू सेटिंग बार्स वीडियो बाय LD लाइफ ब्लॉग्स। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी फर्क नहीं आ ले।